जगदियां जोतां वाले माता जी थोड़ी सदा ही जय। भाम वाले माता जी थोड़ी सदा ही जय। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आज माता जी का झंडा मेला है और योगी जी आकर आपको सूचना देंगे आगे का कार्यक्रम। बड़ा ही पवित्र कार्यक्रम है, सावन का महीना और रिम झिम की ध्वनि गूंज रही थी मानो, और वर्षा के कारण थोड़ी सी ठंडी भी हो जाती है, जैसा शीतकाल का सुंदर अवसर था। आकाश में नमी और सावन में चारों ओर हरियाली फैली होती है। सावन का महीना बड़ा पवित्र माना जाता है, उसमें सारी धरती मानो श्रृंगार करती है, सजती है और मन जन के मनमानस में आनंद का उल्लास है। ऐसी सुनहरी वेला में आप जानते हैं रायकौर ने अपनी लाडली बहू को इस अवस्था में देखकर उसे पुचकारते हुए पूछा कि बहू क्या बात है, क्यों उदास हो गई, खुशी के वातावरण को क्यों गमगीन बनाने लगी, तुझे क्या दुख है। तो प्रश्न पूछते पूछते उसकी आंखें भर आई और पहली बार उसको बहू के सानिध्य का सुख मिला। अपना सारा प्यार उसके ऊपर न्योछावर कर देना चाहती थी, ये कथा है। और ये कैसी विधि की विधाता की विडंबना है कि आशा पुष्प पर विकास से पहले ही तुषाराघात होने लगे, सहमी सहमी सी हरभजन देवी की ओर देखने लगी और कुछ मुस्कुराता हुआ मुख। इन्होंने अपनी सास से कहा कि मुझे कोई दुख नहीं है, शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, लेकिन मैं आज ही भाम जाऊंगी। ये रायकौर को अच्छा नहीं लगा, उसने कहा तू भाम क्यों जाएगी, मैं तुझे भाम नहीं भेजूंगी। तो हरभजन देवी ने उससे एक दैवी घटना का वर्णन किया। इन्होंने बताया कि आज मुझे भाम जरूर जाना है, वहां मेरे पिताजी के पास एक बैल था और वो अब पूरा हो चुका है, उसकी आत्मा भटक रही है, आज वो मेरे पास आया था अपने उद्धार की, उसने मुझसे बहुत अनुनय विनय की है, मैं उसके दुख से दुखी हो रही हूँ, जब उसका उद्धार नहीं हो जाता तो मुझे चैन नहीं होगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी, आप मुझे शीघ्र अनुज्ञा प्रदान करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। बहू के इस प्रस्ताव पर सास मना नहीं कर पाई और उसके मायके में भाम में उसको भेज दिया। सास को ये क्या पता था कि मेरी बहू का शरीर अब बहू के रूप में वापस नहीं आएगा और उस शरीर में अब जगदात्मा भगवती भवानी जगदम्बा भामेश्वरी के रूप में निवास करेंगी। हरभजन देवी ने भाम में आकर अपने बैल के मृत्यु पर शोक प्रकट किया और उसकी आत्मा की शांति से संबंधित उस दैवी घटना से सभी को अवगत कराया। सभी आश्चर्यचकित हुए और इस कन्या की ओर देखने लगे। किसी ने भी इसे बैल की मौत का समाचार दिया नहीं था, लेकिन स्वयं आई तो इसे कैसे पता चल गया। सभी उसी के कहने के अनुसार कार्य करने लगे। तो यज्ञ हुआ, तर्पण किए गए, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, ब्राह्मणों को भोजन कराए गए और यज्ञ आदि के समापन पर हरभजन देवी का मुख परोपकार पुण्य से प्रफुल्लित हुआ। अपने नेत्रों को थोड़ी सी बड़े प्रेम से खोलती हुई और कुछ देर के लिए बैठी रही। इसी अवस्था में इनके समक्ष एक दिव्य
दृश्य उपस्थित हुआ और दिव्य वाहन पर अभिनंदित होता हुआ वो बैल पुण्य लोक को प्राप्त हुआ, प्रस्थान कर गया। कृतज्ञता के अश्रु उसके नैनों में छल छल छलक रहे थे और इस दृश्य को देखकर बिल्कुल ही समाधिस्त हो गई। ऐसी अचिंतनीय सत्य का आनंद का अनुभव करती हुई वो झूमने लगी और कुछ समय के बाद किसी ने उनको आवाज दी तो बड़े प्राकृतिक भाव से फिर अपने घर के कार्य में लग गई। लेकिन ये घटना अपनी स्मृति छोड़ गई। अब इनका दैवी रूप निखरने लगा और धीरे धीरे ब्रह्म भाव में विचरण करने के कारण मानसिक रूप से परिपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य धारण करके रहने लगी, ब्रह्मचारिणी बन गई। हमारे यहाँ शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी जो माता के रूप कहे गए हैं, पहला है शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचर्या पवित्र आचरण धारण करने को ही ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं। तो दिव्य दर्शन स्पर्श आलाप आदि से स्वयं भी दिव्य हो गई और तीन चार दिन के बाद ससुराल से बुलावा आ गया और इनकी भाभी के प्रसव का समय था, इसलिए इनके पिता श्री बिशन सिंह जी ने इनको यहीं रखा और उन दिनों इनका दिव्य आलाप और भी बढ़ने लगा। ये अपने आप को बड़ा उन्नत सा महसूस करने लगे। महाकाली का श्यामल विग्रह बार बार इनके सामने उपस्थित होने लगा। आप जानते हैं महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती ये तीन रूप हैं। तो महाकाली जैसा कि नाम ही है उनका श्याम वर्ण होता है, तो माँ श्यामिका अपनी सहेलियों के साथ आती और इनके साथ मधुर आलाप करती, बात करती, चली जाती, ऐसा अनुभव किया गया। ये कई दिन तक चलता रहा और उन देवियों के बार बार मिलने से उनसे मैत्री भाव हो गया। एक दिन देवी की सहेलियों ने कहा कि हम भजनों को साथ लेकर चलें। इस पर महाकाली ने उनको मना किया। उन्होंने कहा कि हम स्वयं इनके शरीर में प्रकट होना चाहते हैं। महाकाली की ऐसी इच्छा थी, ये पूर्ण पवित्र तन है और इसके माध्यम से हम अपने भक्तों के साथ आलाप करेंगे, संलाप करेंगे, मेल मिलाप करेंगे और उनकी भक्ति को सफल बनाने के लिए स्वयं मनुष्य शरीर धारण करके नर लीला करेंगे। ये बातें प्राय होती रहती थीं। आश्चर्यजनक घटनाओं का क्रम बढ़ता गया और एक दिन महाकाली के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वो दिव्य ज्योति श्री भजन देवी के शरीर में प्रवेश कर गई। अब भजन देवी भक्त भक्ति के स्तर को पार करके सेवा भाव को छोड़ करके स्वयं महाशक्ति भगवती बन गई और दिव्य लीलाओं में ये भी एक अध्याय जुड़ गया। पुनः पुनः देवी के प्रवेश होने पर भजनों इस शरीर में छाया मात्र बन करके रह गई। उनका दिव्य शरीर, दिव्य वाणी और उनकी जो सहेलियां बार बार भजनों को प्रत्यक्ष होने के लिए कहती, लेकिन कहे नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम न जाने मेरा। जैसा कि मर्यादा है, बड़े लोग कभी अपना बड़प्पन बताते नहीं, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, हीरा कब मुख से कहे लाख टका मेरा मोल। कभी प्रत्यक्ष बताया नहीं। भजनों ने अपने पिताजी से इन सब घटनाओं के बारे में कभी प्रत्यक्ष तो नहीं कहा, लेकिन उनके हाव भाव से कुछ पिताजी समझने लगे। पिताजी कुछ हैरान तो थे, लेकिन इन बातों को उन्होंने तत्व से ग्रहण नहीं कर पाए और उनके अनुसार ये सब कुछ स्वप्न के समान दिखाई पड़ रहा था। गंधर्व नगर जैसे होता है, माने जिनकी हम बात सुनते हैं कभी प्रत्यक्ष देखने में नहीं आते। श्रावण के कई दिन बीत गए। अब स्नान ध्यान आदि भजन पूजन आदि नियम से चलते रहे। स्थान स्थान पर देवी तीर्थों पर
मेला का समय भी आ गया था। तो इसी बीच महाकाली का दिव्य विग्रह हरभजन देवी जी के शरीर में प्रविष्ट हो गया और बाद में आत्म प्रतिमावत बाहर निकलकर जिद पूर्वक कहने लगी कि अब हमें प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए। हम इस बार गुप्त रूप से रहने के लिए नहीं आए हैं, हमें प्रत्यक्ष होना होगा। ऐसा कहकर उसी शरीर में प्रविष्ट हो गई और हरभजन देवी को स्वतः यह अनुभव होने लगा कि कोई साधारण नारी मैं नहीं हूं, साक्षात महाकाली के रूप में उनको उसकी अनुभूति हुई और आदिशक्ति की उच्चतम जो कला है उसके लिए कुछ भी अप्राप्य और अज्ञेय नहीं है। लगभग श्रावण मास के 8 प्रविष्टा को उनके अंदर ये स्फुरणा हुई कि उनके निवास स्थान से पास ही एक और जीव आ रहा है और ध्यान मग्न होकर देखा तो सब पता चल गया, ये कोई और नहीं बल्कि उनका भक्त जिसको योगेन कहा। अब उनसे नहीं रहा गया, खुशी के मारे उनका रोम रोम खिल उठा। आराध्या और आराधक का ये बड़ा पुण्य संगम हुआ और बिशन सिंह जी और उनकी पुत्र वधु से कहने लगी कि आपके घर मेरा भक्त आ रहा है। और कईयों ने इस बात को हंसी समझा, मजाक बनाया, लेकिन उस दिव्य नारी की दृढ़ता के आगे सभी परास्त हो गए। बिशन सिंह जी तो सोच में पड़ गए, अतीत की घटनाओं का दृश्य भी उनकी आंखों के आगे झूमने लगा और वह दृश्य प्रत्यक्ष देखते रहे और भजनों की सारी बातें उनके कानों में धीरे धीरे गूंजने लगी। उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा कि उस आगंतुक के आने के बारे में तुम्हें कैसे पता है, उसकी क्या निशानी है। देवी ने कहा कि तुम्हारी पुत्र वधु के गर्भ से आज से 3 दिन के भीतर एक बालक जन्म लेगा और वो मेरा प्रिय भक्त है। प्रारब्ध बहु के अवशेष होने के कारण उसने तुम्हारे घर में जन्म लेना स्वीकार किया है। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि तुम योग करो, तस्माद योगी भवार्जुन, अर्जुन तुम योगी बन जाओ। एक दिन अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आप मुझे बार बार योगी बनने को कहते हैं लेकिन मेरा ये शरीर तो छूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो मेरा योग भी व्यर्थ चला जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं होता। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जो तुमने योग किया है और जब ये तुम्हारा शरीर छूटेगा तो तुम्हें अच्छे माता पिता मिलेंगे, पवित्र घर मिलेगा, पवित्र परिवार, पवित्र कुल मिलेगा और तुम फिर अपना योग प्रारंभ कर दोगे। वही बात यहां घटी। उसके कान में मुंद्रे की निशानी होगी, भजनों ने बताया, और पूर्व जन्म में वह एक योग साधक तपस्वी था। योग भ्रष्ट होकर वो तुम्हारे घर आ रहा है और तुम्हारी भक्ति भी कुछ कम नहीं है, उसे अच्छे माता पिता मिले हैं। ऐसा कहकर माँ भामेश्वरी कुछ हंसी और बिशन सिंह जी उनको कुछ शंका की दृष्टि से देखने लगे। सब कुछ देखते हुए भी उन्हें कुछ भी नहीं दिखता था। उनके वृद्ध मानस पटल पर अनेक प्रकार की आशंकाएं साकार रूप धारण करके उभरने लगी। अपनी चहेती पुत्री का भविष्य और अपने कुल की इज्जत के प्रश्न बार बार उनको घेर रहे थे, बार बार सोचने को मजबूर कर रहे थे। तरह तरह की दैवी घटनाएं और भजनों के अमानवीय व्यवहार, असाधारण व्यवहार से वो कुछ निराश अवसन्न रहने लगे थे। तीसरे दिन उनकी शंका पराकाष्ठा पर पहुंच गई कि इनके ज्येष्ठ पुत्र तरसेम लाल के घर में एक पुत्र पैदा हुआ और वो नवजात शिशु के कानों में कुंडलों के लिए छेद बने हुए थे। उनके निशान अग्रभाग से लुप्त थे किंतु पृष्ठ भाग में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते थे। इस योगी के जन्म ने तो सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। सभी इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हो गए कि आखिर इस लड़की को क्या हो गया, इस प्रकार की भविष्यवाणियां करती है और जो कह देती है वही सच हो जाता है। कहीं इसकी आत्मा कहीं प्रेताविष्ट तो नहीं हो गई, जैसे कोई प्रेत किसी के भीतर आ जाता है, ऐसा तो नहीं हो गया। इस समय इस घर से पुत्रोत्पत्ति की
इस घर में हमारे घर बेटा पैदा हुआ है, ऐसी प्रसन्नता नहीं थी जितनी की पुत्री।